हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने छोटे बच्चों के बारे में। क्यों हमारे छोटे बच्चे को बार बार खांसी सर्दी जुकाम हो जाती है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो आज हम लोग सारे रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा जो है जब छोटा होता है तो गर्मी के मौसम में भी बच्चे को बार बार सर्दी खांसी जुकाम क्यों हो जाती है। तो होता क्या है कि जब भी छोटा बेबी पैदा होता है तो वो बहुत सारे रीजन से आपके बच्चे को गर्मी के दिनों में भी सर्दी खांसी जुकाम जो है होने का चांस हो सकता है। तो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट रीजन होता है वो होता है बच्चे का माँ के कॉन्टैक्ट, मतलब कोई भी बेबी जब माँ के साथ रहता है तो अगर बेबी के माँ को भी कोई सर्दी खांसी जुकाम है तो वो बच्चे में पास हो जाता है। बच्चे को ऑब्वियसली होता ही होता है क्योंकि बच्चा जो है वो माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, माँ के साथ ज़्यादा रहता है, साथ में ब्रेस्ट फीडिंग भी करता है। तो अगर उसकी माँ को सर्दी खांसी जुकाम होती है तो बच्चे को भी हो जाता है। और माँ को सर्दी खांसी जुकाम जो है वो होता ही होता है क्योंकि माँ जब कोई भी जब नई नई माँ बनती है तो उसका शरीर जो होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। और जब नई नई माँ बनती है तो उनके पास थोड़ा काम भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बच्चे का जो होता है बार बार कपड़े धोना, बार बार पानी ये करना, पानी ज़्यादा गांजते हैं, पानी ज़्यादा यूज करते हैं, अगर आप ज़्यादा नहा लेते हैं तो उससे क्या होता है आपका शरीर जो होता है थोड़ा वीक हो जाता है, जिससे आपको ठंड लगने के चांस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप पानी से दूर रहेंगे उतना आपके बेबी के लिए अच्छा होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी बेबी को सर्दी खांसी जुकाम कब हो गया। जितना आप पानी यूज करेंगे, जितना आप पानी के कांटेक्ट में रहेंगे उतना ज़्यादा आपके बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम होने का चांस जो है वो हो जाता है गर्मी के मौसम में भी। तो कोशिश करें जो नई नई माँ बनी है वो पानी थोड़ा कम यूज करें, पानी से थोड़ा दूरी बना कर रखें। तो ये तो पहला रीजन हो गया, क्योंकि आपको सर्दी खांसी जुकाम हो या ना हो वो बच्चे में पास हो जाता है। और थोड़ा सा आपको ज़्यादा हो गया तो बच्चे को भी होने का चांस जो होता है, मतलब तो होने का चांस क्या हो ही जाता है। तो पहला रीजन तो मेन रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, बच्चा जब छोटा होता है तो बार बार वो सुसु पॉटी जो है करता है। तो कभी कभी होता है कि वो कभी कभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर कभी कभी आलस की वजह से ऐसा करते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चा सुसु कर देता है और हम लोगों को पता नहीं चलता और बहुत देर तक वो गीला रह जाता है, वो सुसु पे रह जाता है या फिर पॉटी पे रह जाता है। तो भी उस क्या क्या होता है वो शरीर में जो है वो गीले होने की वजह से भी उसके सर्दी खांसी जुकाम जो है होने का चांस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में जब भी बच्चा सुसु करता है या पॉटी करता है तो को तुरंत उसका जो है वो नैपी, कॉटन का नैपी हो, फिर पैंट हो या फिर डायपर हो, खासकर जब पॉटी करता है तो आपको तुरंत डायपर को है जो चेंज कर देना चाहिए। अगर आप कॉटन का नैपी यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि बच्चे को गीला न रहने दें, तुरंत उसे चेंज कर दें, तुरंत उसे हटा दें, नहीं तो बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम जो है इससे भी लग जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन हो जाता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो जब कुछ होता है जो देखते बच्चा जो है मुँह से लार निकालता है, कभी थूक निकालता है या फिर बच्चे को हम लोग दूध भी पिलाते हैं तो इधर से गिर जाता है, और कभी कभी छाती जो है वो गीला हो जाता है। तो छाती अगर गीला हो जाता है तो कभी कभी हम लोग छोड़ देते हैं तो उससे भी बच्चे को कोल्ड कफ होने का चांस जो है जो ज़्यादा हो जाता है अगर छाती गीला हो जाता है। तो कोशिश करें कि बच्चा जो अगर आपका बच्चा बार बार जो है लार टपकाता है या फिर थूक निकालता है तो उसे हमेशा पोंछ देने की कोशिश करें। और बच्चा जो लार टपकाता है तो इस एरिया में जो है यहाँ पे आके जो है गले के पास आके जमा हो जाता है, जिससे बच्चे का जो है सर्दी खांसी जुकाम होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। और ये जो छाती के पास वाला एरिया जो कपड़ा है वो गीला हो जाता है, और गीला रह जाता है तो वो बच्चे को प्रॉब्लम करती है। तो कोशिश करें कि अगर गीला हो जाता है तो एक दो घंटे में बच्चे का कपड़ा चेंज कर दे, तो उससे भी वह बच्चे को ठंड लगने का, मतलब खांसी सर्दी जुकाम से बच्चा है बचा रहेगा। क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो है बार बार जो है लार टपकाता है, बार बार ये करता है तो उससे ये गीला हो जाता है। तो एक तो हो गया तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न होता है बच्चे का, जैसे ये सरगर्मी के मौसम में हम लोग बच्चे को कभी जो कूलर में रखते हैं, एसी में रखते हैं, तो कभी भी बच्चे को नहलाने के तुरंत बाद आप बच्चे को कूलर एसी में नहीं लेकर आपको जाना चाहिए, क्योंकि इससे भी बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम होने का चांस जो होता है वो काफ़ी हो जाता है। डायरेक्ट कभी भी आपको बच्चे को नहलाने के तुरंत बाद एसी कूलर में लेकर नहीं जाना चाहिए। तीसरा एक और रीज़न भी हो सकता है, लास्ट जो रीज़न हो सकता है कि वो है बच्चे को ज़्यादा पसीना चलना। कभी कभी क्या होता है बच्चे का ज़्यादा पसीना चलता है जिसकी वजह से कपड़ा पूरा गीला हो जाता है और बच्चे का शरीर भी गीला हो जाता है। तो इसी रीज़न से तो बच्चे का शरीर अगर गीला हो गया तो उसे सर्दी खांसी जुकाम लगेगी ही लगेगी।
तो बहुत सारे रीजन होते हैं बच्चे को, छोटे बच्चों के सर्दी खांसी जुकाम होने के, और खासकर गर्मी में भी। हम लोग तो सोचते हैं कि गर्मी है बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगी, लेकिन गर्मियों में भी बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है। तो ये सारे रीजन होते हैं, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मेरे हिसाब से यही सारे रीजन है। तो आप बच्चे को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बच्चे के, तो आपके अपने आप पे ध्यान देंगे, अपने बच्चे पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आपके बच्चे को कभी भी सर्दी खांसी जुकाम होने का चांस जो होता है वो ना के बराबर होता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, क्यों हो जाती है हमें अपने बच्चे के गर्मियों में भी, क्यों बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने बेबी का ध्यान जरूर रखें।